हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसीज, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का रेगुलेशन। ये मेरा पहला टॉपिक है। हुआ क्यों, करंट अफेयर्स में क्यों आया? आरबीआई ने एनबीएफसीज को लेकर कुछ गाइडलाइंस निकाली और उस गाइडलाइंस की वजह से एनबीएफसी जो है वो करंट अफेयर्स में आ गया। तो पहली चीज आप लोग ने देखा होगा कि जब भी आप रोड के बगल से जाते हैं कहीं ना कहीं आपको लिखा रहता है कि 2 मिनट में लोन, 2 मिनट में लोन, कहीं लिखा रहता है कि आधार कार्ड लाइए लोन मिल जाएगा। आप लोगों ने अक्सर ऐसी छतरियां, ऐसे कैनोपी देखे होंगे, लेकिन उन कैनोपी को जब भी आपने देखा होगा तो उसमें कहीं ऐसा लिखा होगा कि एसबीआई ले रहा है 2 मिनट में लोन या केनरा बैंक दे रहा है 2 मिनट में लोन, ऐसा नहीं देखा होगा आप। आप लोगों ने किसी बैंक को नहीं देखा होगा वहां पे जो ऐसी छतरी लगा के बैठा और बोला कि आओ आधार कार्ड लेके आओ, लोन ले जाओ, 2 मिनट में लोन ले जाओ, 50,000 तक का लोन बिना गारंटी, ऐसा नहीं देखा होगा, बैंक नहीं बैठता। लेकिन ये कौन दे रहे हैं लोग, ये लोग है कौन, ये कौन सी कंपनियां जो हमें लोन दे रही हैं, और ये लोन देने के लिए सड़कों में आ गई हैं और लोगों को बुला बुला के बोल रही लोन ले लो। तो दे तो ये भी पैसा रही है लेकिन ये बैंक नहीं है, इतना हमें पता था। असल में ये जो लोग आप देखते हैं ना, ये सब एनबीएफसीज वाले हैं। एनबीएफसीज क्या है, इसका मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि एनबीएफसीज जो है वो आपको सड़क किनारे इनकी कैनोपीज लिए हुए इनके एग्जीक्यूटिव मिल जाएंगे और आप जाइए, बिल्कुल सही बात है, आधार कार्ड दीजिए, आपको लोन दे देंगे, कुछ फॉर्मेलिटीज लेंगे लेकिन आपको लोन दे देंगे। हाँ ये रहेगा कि उसकी जो ब्याज है उसका जो इंटरेस्ट है बहुत हाई रहेगा। जैसे मान लीजिए आप एसबीआई के से पर्सनल लोन लेने का आपको 15% में दे जा रहा है, लेकिन आप इनका अगर पर्सनल पर मतलब लोन लेंगे या फिर जो भी इनका लोन है वो लेंगे तो हो सकता है 20% से 25% तक, कहीं कहीं 30% तक केस बाय केस इनका लोन का रेट रहेगा। लेकिन लोन मिलेगा आपको, लोन मिलेगा, बेहतरीन लोन मिल जाएगा, 50,000, 20,000, 15,000 लोन आपको दे देंगे। कोई नहीं पूछेंगे आप जॉब करते हैं कि नहीं, क्योंकि हर किसी कोई को एसबीआई या केनरा बैंक लोन नहीं देता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। ये आपसे सैलरी स्लिप मांगते हैं, 6 3 महीने की, 6 महीने का स्टेटमेंट मांगते हैं, फिर आपकी सैलरी देखते हैं, फिर बोलते हैं इतना ही लोन हो पाएगा। लेकिन क्या बाकी लोगों को लोन की जरूरत नहीं है? बाकी लोगों को काम करना है, इकोनॉमी में काम करना है, घर बनाना है, बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है, बच्चों को कुछ और कराना है, घूमने जाना है, तो बाकी भी तो पैसा चाहिए, और सबको तो ये बैंक देते नहीं है जो प्राइवेट बैंक है और सरकारी बैंक है। लेकिन अगर लोन नहीं दोगे तो मार्केट में पैसा नहीं जाएगा तो इकोनॉमी कैसे बूस्टअप करेगी? तो ये सारा जो वैक्यूम है, ये सारा जो खालीपन है वो भर देते हैं एनबीएफसीज। तो एनबीएफसीज जो है इनको, इसीलिए इनके काम की वजह से इनको हम कहते हैं शेडो बैंकिंग। ये क्या करते हैं, शेडो बैंकिंग करते हैं। शेडो मतलब होती है छाया, मतलब जो काम बैंक नहीं करे वो ये करती है, लेकिन ये बैंक नहीं है इसलिए इसको हम कहते हैं एनबीएफसीज, को कभी कभी कहते हैं शेडो बैंकिंग। अगर इनके नाम में हम जाएं तो यहाँ पे देखो नाम लिखा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो बैंक बैंक नहीं है, नॉन लिखा है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनीज, ये बैंक नहीं है, लेकिन ये काम तो वित्त का कर रहे हैं, फाइनेंशियल वाला काम तो कर रहे हैं ये, मतलब ये पैसों का लेन देन तो कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, लेकिन है ये कंपनी, इसके नाम में ही सारा सारा मर्म है। सवाल ये है कि ये हम पढ़ इसलिए रहे कि आरबीआई ने कुछ रेगुलेशन में चेंज किया, क्या किया वो हम देख लेंगे, और अभी करंट में क्या सिनेरियो वो भी देख लेंगे। तो पहले इसके नाम पे चलते हैं। इसमें लिखा है कि ये ऐसी संस्थान है जो वित्तीय वाला काम करती है, फाइनेंस का काम करती है, लेकिन ये बैंकिंग नहीं है, यानी बैंक्स नहीं है, और ये कंपनीज है। इसका मतलब ये कंपनीज है, मतलब कंपनीज एक्ट के तहत ही रजिस्टर्ड होंगी। तो हमारे देश में जो कंपनीज एक्ट है वो 1956 का है, तो 1956 के कंपनीज एक्ट में जो भी रजिस्टर्ड होता है वही अपने नाम के आगे कंपनी लगा सकता है। आपने सुना होगा ये मेरी कंपनी है, ये फलाना कंपनी है, ढमका कंपनी है, वो सारी कंपनी अल्टीमेटली रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट में, ठीक है। तो कंपनी एक्ट कब का, 1956 का। तो इसका मतलब ये जितनी भी एनबीएफसीज हैं ये किसके अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, 1956 वाले कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। और जो बैंक होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, ये सब आरबीआई द्वारा क्या होते हैं, इनको लाइसेंस मिलता है, आरबीआई इनको लाइसेंस देती है, बैंकिंग लाइसेंस देती है, और आरबीआई इनके नाम से एक गैजेट निकालती है, इनके नाम से एक पत्र निकालती है जिसमें इनका नाम लिखा रहता है कि हाँ इस बैंक को हमने लाइसेंस दिया, इस बैंक को हमने लाइसेंस दिया। तो हमारे देश में जो बैंक है उनको लाइसेंस मिला हुआ है, आरबीआई के द्वारा लाइसेंस मिला हुआ है, पहली चीज। इनको लाइसेंस नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे ये तो कंपनीज के, मतलब
एक्ट में रजिस्टर्ड है, पहला अंतर ये है। दूसरा अंतर ये है कि जो सरकारी बैंक है, जो मतलब बैंकों के भी बैंक है, अच्छे बैंक है, सरकारी बैंक है, या फिर ये कह ले कि एक आरबीआई एक्ट है 1949 का, इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी कहते हैं, आरबीआई एक्ट भी कहते हैं। इसकी जो शेड्यूल्स है, आपने संविधान में शेड्यूल देखी है, इस एक्ट के तहत एक शेड्यूल बनाई गई है। उस शेड्यूल में जिस बैंक का नाम लिख जाएगा उस बैंक को हम कहेंगे शेड्यूल बैंक। इसका नाम उस अनुसूची में जोड़ दिया गया, वो कहलाता है शेड्यूल्ड बैंक या अनुसूचित बैंक। तो मोस्टली जो भी सरकारी बैंक है, जो भी ग्रामीण बैंक है, वो सब अनुसूचित बैंक होते हैं। यहाँ तक कि कुछ बड़े प्राइवेट बैंक भी अनुसूचित बैंक होते हैं, क्योंकि वो आरबीआई एक्ट 1949 की जो शेड्यूल है उसके उसमें उनका नाम लिख दिया है, और इनको आरबीआई निकालता है लाइसेंस। तो जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस होता है वही बैंक कहलाते हैं। इनको आरबीआई लाइसेंस नहीं देता, ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं और ये वित्त का काम करते हैं, लेकिन ये बैंक बैंकिंग नहीं है। तो जब भी हम कहते हैं कि ये बैंकिंग नहीं है, तो मोस्टली बैंक है क्या, असल में बैंक करता क्या है? अब भाई ये भी मैंने अभी एग्जांपल दिया कि भाई 2 मिनट में लोन ले जाओ, आधार कार्ड दे के लोन ले जाओ, तो पैसा तो ये आदमी भी दे रहा है और बैंक भी पैसा दे रही है। तो अंतर क्या है, बैंकिंग क्या होती है, कैसे मैं अंतर करूं कि ये काम बैंकिंग का है और ये काम नॉन बैंकिंग का है? असल में एक शब्द आता है डिपॉजिट करना। डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना, ये साधारण शब्द है। मैं अगर इनसे भी लोन लूंगा 2 मिनट में लोन, तो इनकी भी किस्त मुझे जमा करनी पड़ेगी, और बैंक से लोन लूंगा तो उसमें जमा करना पड़ेगा। बैंक में अगर लोन नहीं भी लूं तो अपना पैसा जमा करने में जानता हूं। असल में इस डिपॉजिट के आगे हम लगा देते हैं डिमांड डिपॉजिट, मतलब एक ऐसा जमा, एक ऐसी जमा पूंजी जिसको अगर कोई व्यक्ति जमा करे तो कभी भी उस पैसे को वापस मांग सके। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बैंक में 500 रुपए जमा कर दिए, आपने 500 जमा कर दिए अपने अकाउंट पे, और जब आपका मन किया आप 500 निकाल भी लाएंगे। इसका मतलब होता है डिमांड कर सकते हैं आप, डिमांड कर सकते हैं आप, अपने पैसा डिपॉजिट किया लेकिन उस पैसे को डिमांड करके वापस ले सकते। जो एनबीएफसीज होती हैं ये डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती, ये डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती। ये बेसिक्स अंतर होता है बैंक और एनबीएफसी में। एनबीएफसी किसी को लोन देगा, लोन के बदले में ईएमआई लेगा, तो वो तो जमा करेगा ही, वो तो डिपॉजिट करेगा, लेकिन ईएमआई डिमांड डिपॉजिट नहीं होती। ऐसा नहीं कोई अपनी ईएमआई आज जमा कर 1 तारीख को और 5 तारीख को बोले मेरे ईएमआई वापस कर, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आपने अपने खाते में पैसे जमा किए 500 1000 रुपए, तो आपका मन करेगा आप एटीएम में इससे जाएंगे और पैसे विड्रॉ कर लेंगे। तो ये होता है डिमांड डिपॉजिट, कि हम मांग कर सकते हैं, हमने जो आपको जमा किया है उससे वो मांग सकते हैं। जो डीडी है, डिमांड डिपॉजिट है, ये बेसिक्स, ये जो ये बैंक का एक अधिकार है, जो जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस है वो डिमांड डिपॉजिट करते हैं, और ये ऐसा नहीं करते। डिपॉजिट ये भी करेंगे, भाई आपने लोन लिया तो लोन की ईएमआई तो भरोगे ना, जमा तो करोगे, तो डिपॉजिट तो ये भी हो रहा है, यहाँ भी पैसा जमा हो रहा है, लेकिन ये पैसा वापस नहीं मांग सकते, क्योंकि ये पैसा एक हाथ दिया था लोन तो दूसरे हाथ उसका ईएमआई दे रहे हैं। यहाँ पे आप अपना पैसा डाल सकते हैं करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में। ये बेसिक अंतर होता है। जहां तक नॉन बैंकिंग लिखा है, नॉन बैंकिंग करती है ये, यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट वाला काम नहीं होता। ये जो डिफरेंस है, समझ में आया सभी को? यस सर, यस सर। अब थोड़ा सा हम लोग एक तस्वीर में ले जाना चाहता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने अब ये कुछ एनबीएफसी के एग्जाम्पल देखिए, इंडिया बुल्स होम लोन, अब घर आ जाओ, IIFL, टाटा कैपिटल, LIC, आदित्य बिरला, DHFL, इन सबके तो ऐड शाहरुख खान लोग करते हैं, फुलरटन इंडिया, मम्मा पुरम गोल्ड लोन, जब घर में पड़ा है सोना तब काहे करो ना, ये सब चीज, ये सब एनबीएफसी है, ये सारे लोग एनबीएफसी से। अब LIC में ऐसा नहीं कि हम जाएं LIC में अपना खाता खुलवा के बोले भैया ये हमारा बचत खाता खोल लो, हम पैसा डालेंगे और पैसा निकालेंगे, लाओ LIC अपना ATM कार्ड दो, ऐसा नहीं होता। लेकिन LIC से लोन मिलता है, LIC में आप जमा कर, LIC आपको प्रीमियम बेचता है, यानी इंश्योरेंस बेचता है, और उसके बदले में आपसे पैसा लेता है। मतलब ये कोई सर्विस दे रहे हैं उसके बदले में पैसा ले रहे हैं। टाटा कैपिटल नाम से है कैपिटल, आप लोग बाइक का लोन, कार का लोन इससे मिल जाता है, कहीं घर का लोन भी मिल जाता है इससे।
क्योंकि भाई जो जिसका अच्छा सिविल स्कोर है, जो सरकारी नौकरी में है, जिसकी फिक्स सैलरी आ रही है या फिक्स इनकम है, उसको तो बैंक जो है वो दौड़ के पैसा देंगे। लेकिन ऐसे लोग हमारे देश में 10% भी नहीं है, less than 10%, जिनका जिसको कहते हैं सिविल स्कोर। एक स्कोर होता है सिविल स्कोर नाम का, जिसके तहत बैंक तय कर लेते हैं कि भाई इनको पैसा देना देना, ये रिपे कर सकते कि नहीं, ये लोन रिपे कर सकते नहीं। तो 10% से कम लोग ऐसे हैं जिनकी जिनकी जो सैलरीड है, जिनकी सैलरी आ रही है, और कोविड के समय तो ये परसेंट और कम हो गया, जिनकी फिक्स इनकम है, जिनके पास रिपेयरमेंट कैपेबिलिटी है कि भाई वो पैसा चुका सकते हैं, उनके पास जमीन है, घर है, जायदाद है, पैसा है, बैंक बैलेंस है ना, वो अमिताभ बच्चन डायलॉग मारता है ना, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, तो मेरे पास NBFC है। तो जिसके पास ये सब नहीं होता है, अब उसको भी तो चाहिए पैसा, तो वो जाता है इनके पास, DHLF के पास जाता है। ठीक है, इंडिया बुल्स ये भी देते हैं घर बनाने, देखिए नाम में लिखा है इंडिया बुल्स होम लोन, लोन देंगे घर बनाने के लिए। लेकिन हो सकता है HDFC बैंक से आपको 7% में होम लोन मिल जा रहा है, लेकिन वही इंडिया बुल्स से हो सकता है आपको 14% में होम लोन मिले, दिया तो, लेकिन ये जो ब्याज ज्यादा लिया। लेकिन जिस आदमी के पास घर नहीं है और उसको लोन भी नहीं हो पा रहा था, उसकी सैलरी कम थी, SBI, HDFC, ICICI बैंक लोग मना कर रहे थे, तो ये इसके पास या घर तो हो गया इसका भी, इसका भी घर का सपना पूरा हो गया। तो मैं कह रहा हूँ हमारे देश में 10% से कम लोग ऐसे हैं जिनके लिए जो मेन स्ट्रीम बैंक्स हैं वो खड़ी हैं, भैया पीले चावल लेकर के आइए, लोन ले लीजिए। लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जो मेन स्ट्रीम बैंकिंग सिस्टम से दूर हैं, क्योंकि तो उनको लोन ही नहीं मिलता। अभी सरकार ने बहुत लंबा चौड़ा निकाल दिया प्रोजेक्ट कि हम 3 लाख करोड़ का पैकेज निकाला अभी 4 दिन पहले, 3 लाख करोड़ का पैकेज, और क्या बोला, ये लोन आप जाइए बैंक से लोन ले लीजिए और पीछे हम खड़े हैं। तो मैंने क्या बोला, बैंक लोन देगा ही नहीं, क्योंकि बैंक भाई ये सब कुछ देखा, सैलरी है क्या? अब भाई कोरोना में उसकी नौकरी चली गई, 6 महीने से पगार नहीं, तो उसकी सैलरी कहाँ से आएगी? आपने 6 महीने का स्टेटमेंट मांगा, 6 महीने से उसके खाते में 1 रुपया नहीं आया, तो वहाँ फेल हो गया। फिर आपसे उसने आपसे पूछा चुकाओगे कैसे, तो आप बोल रहे कि सर मैं चुका दूंगा, मेरे पास जॉब थी लेकिन चली गई, मैं फिर जॉब ढूंढूंगा तो चुका दूंगा। देगा ही नहीं। तो सरकार ने भले अभी 3 लाख करोड़ का पैकेज निकाल दिया 5-8 दिन पहले, लेकिन वो पैकेज लोन सिस्टम है कि आप लोन लो, सरकार ब्याज चुकाएगी, लेकिन लोन देंगे तब तो, ये तो देने से रहे, और जब NBFC लोन देगी तो भैया होता है उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहेगा। खैर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके बारे में आप लोग सुनते रहते होंगे, लेकिन यही है असली NBFC। ऐसे बहुत सारी NBFC है हमारे देश में इस समय, 10,000 तक, 10,000 NBFC काम कर रहे हैं, 10,000 NBFC काम कर रही है हमारे देश में। ठीक है, और इनकी जो ग्रोथ रेट है 30% है, 30% ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, और हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी ग्रोथ रेट 8% भी नहीं है, जो जो ये SBI है नॉर्मल, लेकिन ये 30% ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं और बहुत तेज भाग रहे हैं, क्योंकि 90% जनता को ये लोन देते हैं। और हाँ, माना कि थोड़ा रिस्क है, लेकिन अच्छा खासा ये इंटरेस्ट लेते हैं उनसे, जनता चुकाती भी है, क्योंकि भाई जरूरत है, किसी को बाइक चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है, हर जगह बैंक साथ में देता है, इसलिए ये सब काम करते हैं। तो ये आप लोगों ने कुछ NBFCs के उदाहरण देख लिए। अब वापस चलते हैं अपनी न्यूज़ पे। अब RBI ने क्या किया ऐसा, अब RBI ने ऐसा क्या किया कि न्यूज़ में आ गई? असल में पिछले 2-3 सालों से एक शब्द चलता आ रहा है, NBFC क्राइसिस, यानी NBFC का खतरा। खतरा कहां से आ गया इसमें? अभी तो सर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि भैया 30% की ग्रोथ रेट पे चल रहे हैं, देश भर में 10,000 NBFC काम कर रहे हैं, हर किसी को लोन मिल रहा है, लोन मिल रहा है, तो इकोनॉमी में पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो इकोनॉमी बूस्टअप कर रहे हैं। हाथ में पैसा आएगा तो इंसान कुछ करेगा, वो अक्षय कुमार बोलता है ना, घर में बड़ा है सोना, तब काहे करो ना, सोना को रखिए, पैसा लीजिए, दुकान उकान खोलिए, बड़े आदमी बन जाइए। तो क्राइसिस कहाँ से आई, ये पहले हम जानते हैं, उसका देखेंगे RBI क्या बोला। असल में क्या है, हमारे देश में जो NBFCs हैं, अब जैसा कि आपने अभी तक समझा कि भाई NBFC जो है इसको पैसा कहाँ से मिलेगा, इसके पास कोई ऐसा सेविंग अकाउंट तो है नहीं कि लोग गए और इसमें अपना पैसा रख दिया, डिमांड डिपॉजिट कर दिया कि लीजिए भाई 1 लाख रुपए हमसे लीजिए, एक खाता खोल लीजिए और इसमें हमें 3-4% जो ब्याज है वो देते रहिए। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या?
अभी आवाज आ रही? यस सर। हाँ, तो बात ये चल रही थी कि एनबीएफसी जो है, एनबीएफसी क्राइसिस आ गया है, आया था, अभी भी थोड़ा बहुत क्राइसिस है क्या? एनबीएफसी को मैं बोल रहा हूँ 30% ग्रोथ रेट पे चल रहा है, हमारे देश में बहुत बड़ा वर्क को ये पैसा दे रहा है, इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, लिक्विडिटी आ रही है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? असल में जो बैंक है, पहले बैंक को देखते हैं, जो बैंक है इनको इधर से आता है जमा, हम आम आदमी या खास आदमी इसमें जमा कर देते हैं पैसा, और ये पैसा इसको लोन में बांट देता है। ठीक है, तो बैंक को टेंशन नहीं पैसा कहाँ से आएगा, लोन तो जमा कर रहे हैं ना भैया, आप खाता खुलवाते तो 5,000, 10,000, 50 लाख जितना है आप डाल देते हैं कि आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, और जिसको जरूरत होती है बैंक के पास जाता है, बैंक उसको लोन दे देता है, तो लोन से भी उसको ईएमआई आती रहती है, तो बैंक का तो बढ़िया है, सब सब चंगा है, इनके साथ दिक्कत है, बेचारों के साथ, इनको पैसा कहाँ से मिले, लेकिन इनको लोन देना है और 90% हमारी जो आबादी है उनको लोन देना है, दिक्कत इनके साथ ये। तो ये क्या करते हैं, ये किसी तीसरे पार्टी से पैसा लेते हैं, मनी लेते हैं, तीसरी पार्टी कौन है, आम आदमी थोड़ी ना एनबीएफसी में पैसा देगा, क्योंकि तो एनबीएफसी में आदमी पैसा कैसे दे सकता है, उसका तो कोई सेविंग अकाउंट है ही नहीं। तो ये क्या करते हैं, जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जिसके पास भी पैसा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसा कोई भी संस्था, संस्था बोल रहा हूँ आदमी नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास पैसा है वो एनबीएफसी को पैसा दे सकता है एज अ उधार, और एनबीएफसी इसके बदले में इनको एक सर्टिफिकेट जारी कर देती है, सर्टिफिकेट कि आपने मुझको 20 करोड़ रुपए दिए हैं और ये पैसा मैं आपको इतने ब्याज पर लौटाऊंगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है, ये कौन लोग होते हैं जो इनको पैसा देते हैं, बैंक्स, बैंक्स के पास पैसा पड़ा है वो इसको दे देते हैं कि भैया हमें अच्छा लोन मिलेगा, बैंक के अलावा ये म्यूचुअल फंड वाले लोग दे देते हैं, ठीक है, और भी ये जो संस्थान है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या शेयर मार्केट वाले दे देते हैं, मतलब जिनके पास भी पैसा है, जो भी संगठन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, व्यक्ति नहीं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पैसा लगा दे सकता है, और उसके बदले सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं कि भाई 6 महीने बाद हम आपको 10 रुपया का 11 रुपये देंगे, एक कागज इनको दे दिया, अब इनके पास आ गया पैसा। लेकिन दिक्कत ये है, इनके पास जो मनी आ रहा है ना वो शॉर्ट टर्म का मनी आ रहा है, मतलब इनके पास जो इन्होंने पैसा मिला है ये शॉर्ट टर्म का रहा, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम का, कि हमने आपको पैसा दिया है 500 करोड़ रुपए, आपको 8 महीने में वापस करना है या 1 साल में वापस करना है, इनके पास पैसा पर्याप्त आता है। बहुत सारे संगठन है जो भाई बैंक के पास भी अरबों खरबों पर पड़े रहते हैं, वो सोचता है किसी एनबीएफसी को दे दो, क्योंकि हमारे देश में जैसे एलआईसी है, एनबीएफसी है, एलआईसी का नाम अच्छा है, एसबीआई ने सोचा है मेरे पास 5,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, एलआईसी को दे दो 8 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कुछ ब्याज ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इनको जो भी पैसा मिलता है ये शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, इनको पैसा मिल गया। अब एनबीएफसी जैसे मान लीजिए हम चलते हैं किसके पास, डीएचएफएल के पास चलते हैं, ये एक एनबीएफसी, इसको पैसा मिल गया शॉर्ट टर्म में। अब मैं गया, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, घर खरीदना है, थोड़े बहुत मेरे पास काम था, मैं डीएचएफएल के पास गया, बोला साहब मुझे होम लोन दे दो, क्या दे दो, होम लोन। डीएचएफएल ने मुझे होम लोन, इसका वैसे पूरा नाम है दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एक समय शाहरुख खान इसका ऐड करता था, बाद में बर्बाद हो गई, होम लोन दे दो, ठीक है। डीएचएफएल ने कहा ले लो भाई, तो होम लोन मैं कितने दिन का ले लूंगा, होम लोन ऐसा तो नहीं कि 6 महीने 8 महीने में चुका दूंगा, होम लोन तो भाई 10 साल 15 साल 20 साल का लूंगा मैं। अब मैंने मान लीजिए एक होम लोन लिया, वो 20 साल का, 20 ईयर्स का मैंने होम लोन लिया, इसने मुझको दिया, मतलब ये पैसा मैं आपको 20 साल में चुकाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने होम लोन में लिया 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए मुझे डीएचएफएल ने दिया और 20 साल में चुकाऊंगा, लेकिन डीएचएफएल को ये 20 लाख रुपए जहां से मिले थे वहां तो 1 साल में ही चुकाने थे, क्योंकि इनको जो पैसा मिलता है वो तो शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है भैया, 1 साल में जिससे पैसा लिया वो चुकाने हैं, और इसको तो ईएमआई मिल रही है 20 साल के लिए। तो जब तक हमारे देश में इकोनॉमी बढ़िया थी, जब तक कोविड नहीं आया था, तब तक
बड़ा पैसा लोगों के पास उछल रहा था, संगठन के पास उछल रहा था, विदेशों से बहुत सारा एफडीआई आ रहा था, एफआईआई आ रहा था, सबने एनबीएफसी में धूमधाम से पैसा लगाया, इनको पैसे की कमी नहीं थी, इन्होंने शॉर्ट टर्म पे पैसा ले रहे थे, लॉन्ग टर्म पे दे रहे थे, शॉर्ट टर्म पे ले रहे थे, लॉन्ग टर्म पे दे रहे थे, क्योंकि मोटे तौर पे इनके पास मान लो 1000 रुपए आ रहे थे तो लोन ये दे रहे थे 500 रुपए, पैसा बड़ा आ रहा था। और एक साल बाद इनको मान लो जैसे मैंने 20 लाख की बात की, एक साल बाद इनको वापस करना है तो इनके पास कहीं और से 20 लाख आ गया, फटाक से उसको दे दी जिसको देना है। और ये हमारे जैसे लोग होम लोन ले रहे 20-20 साल का, खूब लोन बांटे पड़े। अब इसी बीच में क्या हुआ, लिक्विडिटी क्रंच आ गया। लिक्विडिटी क्रंच मतलब भैया आपने जिसको होम लोन दिया पहले चीज तो वो सिक्योर्ड नहीं है, वो सिक्योर्ड कस्टमर नहीं है, उसके पास कोई नौकरी नहीं, धंधा नहीं, वो तो आम आदमी था, हो सकता है वो ठेले वाला कोई और हो या फिर कोई दुकान वाला हो, कुल्की वाला हो, रेहड़ी वाला हो, साड़ी वाला हो, कोई हो, दुकान बंद हो गई, अब उसने ईएमआई चुकाना बंद कर दिया, तो ईएमआई चुकाना बंद कर दिया, इस तरह लाखों लोग हैं वो पैसा देना बंद कर दिए या नहीं दे पाए, इसके पैसे तो अटक गए, इसकी ईएमआई नहीं आ रही थी, और इसके पास तो वो लोग खड़े हो गए जो 8-10 महीने के लिए लोन उसको लिया था पैसा, वो तो खड़े हो गए, शॉर्ट टर्म वाले खड़े हो गए और लॉन्ग टर्म के पैसे इसके पास अटक गए। अब इससे क्या हो रहा है कि डीएचएफएल हो गया या आईएलएफएस हो गया, इन सब ये सब बर्बाद हो गए, है ना। इनमें क्या हुआ, किस संगठन ने मान लो पैसा लगाया, उसको पैसा नहीं मिलना, ये जो होम लोन जो लिए थे ये अपनी ईएमआई नहीं दे पा रहे, दिक्कत है। अब तो कोविड की वजह से तो और बर्बादी हो गई देश में। इस तरह ये एनबीएफसी, कुछ एनबीएफसी, देखो एलआईसी नहीं बर्बाद हुई ठीक है, लेकिन डीएचएफएल बर्बाद हो गई, आईएलएफएस देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी थी, उसका क्राइसिस आया था एक साल पहले, वो बर्बाद हो गई। तो जब अब देखो ये इनका जो मॉडल है ना, यही एक करप्ट मॉडल है, ये फ्लॉ मॉडल है। दुनिया भर में एनबीएफसी चलती है, लेकिन वो क्या करती है, शॉर्ट टर्म का उधार लेती है तो शॉर्ट टर्म में उधार देती है, जैसे मान लो एक साल का उधार ले रही तो बाइक लोन दे रही है एक साल का, या पर्सनल लोन दे रही 6 महीने का। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, हमारे एनबीएफसी उधार ले रही है शॉर्ट टर्म का, तो उनको उधार शॉर्ट टर्म का ही मिलता है। एसबीआई थोड़ी ना इनको 20 साल के लोन दे रही है, भाई 20 साल के लिए पैसा पकड़ लो 500 करोड़ रुपए और 20 साल तक चुकाना, ऐसा एसबीआई नहीं करेगी, या बड़े बड़े संगठन नहीं करेंगे, म्यूचुअल फंड वाले नहीं करेंगे। लेकिन ये लोन दे रहे हैं लॉन्ग टर्म में, होम लोन दे रहे हैं, भाई होम लोन तो भाई चलेगा 5-10 साल, 15 साल। कार लोन ऐसा तो है ना कि 6 महीने में चुका देगा 5-10 लाख रुपए। तो हमारे यहाँ का एनबीएफसी मॉडल ही फ्लॉट है, खराब है, और ये हमें अब समझ में आया। अब तो कोविड आ गया, अब तो बर्बादी हो गया है, उसके पहले से बर्बादी हो रही है। तो ये है एनबीएफसी क्राइसिस, क्या हो रहा है, देखो पैसा डूबने लगा, डीएचएफएल को ये पैसा नहीं मिला जो इसने होम लोन पे लिया था, इस चक्कर में ये उन लोगों को पैसा नहीं दे पाया जहां जो जिन लोगों ने इसको लोन दिया था। अब मान लो एसबीआई ने इसको लोन दिया था, किसको, डीएचएफएल को, एसबीआई ने अपना पैसा उठा के दे दिया। अब एसबीआई के पास जब पैसा नहीं पहुंचेगा तो एसबीआई अपनी ब्रांच से और लोन नहीं दे पाएगा। एसबीआई के पास जब पैसा नहीं पहुंचेगा तो एसबीआई में हमने आपने जो एफडी करा के रखी थी वो एफडी मैच्योर नहीं हो पाएगी, हम जाएंगे पैसा लेने, एसबीआई बोलेगा साहब अभी पैसा नहीं, 1 महीने बाद आना, दिक्कत हो गई। एक तरह से इसे क्या कहते हैं, ये विशियस साइकिल बन गया, लिक्विडिटी क्रंच का साइकिल बन गया, पैसे की कमी हो गई, इसके पास पैसा नहीं है होम लोन वाले के पास, इसने दिया था तो ये दे नहीं पा रहा, इस वजह से डीएचएफएल जो है ये अपना लोन नहीं चुका पा रहा, इस वजह से जो इसके संगठन है जिन्होंने इसको पैसा दिया था उनके पास पैसे की कमी आ गई, और इस वजह से ये नए लोन नहीं दे पा रहे। तो पुराने लोन के पैसे आ नहीं रहे, नए लोन जा नहीं रहे, तो हमारी इकोनॉमी, हमारा जो मार्केट है वहां तो पैसा ही नहीं पहुंचा, तरलता ही नहीं पहुंची, क्योंकि हमने बताया हमारे देश में 10% से कम लोग ऐसे हैं जिनके पास फिक्स इनकम है, बाकी 90% के जेब में तो पैसा ही नहीं आ रहा। भाई अगर हम आप कार नहीं खरीदेंगे, बाइक नहीं खरीदेंगे तो शोरूम वाले कहाँ से कमाएंगे, शोरूम वाले नहीं कमाएंगे तो वो अपने लोगों को सैलरी कैसे देंगे, शोरूम वाला नहीं कमाएगा तो वो रोजगार कैसे देगा। हम अगर बाइक लेंगे तो हम पेट्रोल डलाएंगे, सरकार को टैक्स मिलेगा, मतलब एक घूमता फिरता ये चक्कर है पूरा, पैसा पैसे को बनाता है। ऐसा नहीं कि हमने कार खरीद के पैसे बर्बाद कर दिए, घर लेके पैसे बर्बाद कर दिए, नहीं, हमने पैसे किसी और को दिए, वो पैसा कहीं और जाएगा, हमारी इकोनॉमी में घूमता रहेगा, इकोनॉमी में वो पैसा 1 रुपए 2 रुपए 2.5 रुपए 4 रुपए बन के आएगा। लेकिन जब ये स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई, और ये स्थिति बिगड़ रही है जीएसटी के समय से ही, जीएसटी जब से है तब से स्थिति डावाडोल चली रही है, और कोविड ने तो इसे कहते हैं कब्र में गाड़ी दिया। तो एनबीएफसी क्राइसिस समझ में आया आप लोगों को, और ये इशू अगले 2-3 साल तक चलता रहेगा कि एनबीएफसी क्राइसिस क्यों है, बस नई नई कंपनी यहाँ पे जुड़ती रहेंगी, डीएचएफएल अभी बर्बाद हो चुका है, एलएफएस बर्बाद हो चुका है, यहाँ पे कुछ नया नाम आ जाए, बाकी ये क्राइसिस सही है। क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. अब सवाल ये है कि आरबीआई ने ऐसा क्या किया। अब देखो हमारे पास जो एनबीएफसी होते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आरबीआई के अंडर में आते हैं, एनबीएफसी अलग अलग, जैसे मान लीजिए
देखिए मेरे पास एक शीट होगी, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। वो आरबीआई की ही शीट है, आरबीआई की वेबसाइट से मैं देख रहा था। देखिए ये आरबीआई की वेबसाइट में ये चार्ट है। इस चार्ट ने बोला है जो एनबीएफसी या एनबीएफआई है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, अपने काम के हिसाब से, अपने वर्क के हिसाब से इनका मालिक अलग अलग होते हैं। इनके काम के हिसाब से इनके मालिक बदल जाते हैं। जैसे कुछ का मालिक आरबीआई है, मतलब आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि जो पैसे का लेन देन कर रहे हैं, लोन वोन बांट रहे हैं, उन कंपनी का मालिक आरबीआई रहेगा। ऐसी कंपनी जो होम लोन दे रही है, हाउसिंग में दे रही है, उनका मालिक रहेगा नेशनल हाउसिंग बोर्ड। जैसे मान लो डीएचएफएल, डीएचएफएल को कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई नहीं, नेशनल हाउसिंग बोर्ड करेगा, क्योंकि इसके नाम में हाउसिंग फाइनेंस, घर के लिए लोन दे रही। ठीक है, ऐसी एनबीएफसीज जो कि शेयर मार्केट में पैसा लगा रही हैं या फिर स्टॉक में पैसा लगा रही, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको कौन कंट्रोल करेगा? सेबी कंट्रोल करेगा। ठीक है, और जैसे चिट फंड कंपनियां हो गई, एक शारदा चिट फंड घोटाला आपने सुना होगा। चिट फंड जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? वहां की राज्य सरकार कंट्रोल करती है। इंश्योरेंस कंपनी जैसे एलआईसी, एलआईसी इंश्योरेंस कराती है, उसके बदले में आपसे पैसा लेती है, इसको कौन कंट्रोल करता है? इरडा, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब हमारे देश में जो एनबीएफसीज हैं, इनके मालिक अलग अलग हैं, इनके काम के हिसाब से इनके मालिक अलग अलग। इंश्योरेंस वाली बात होगी तो आईआरडीए करेगा, होम लोन की बात होगी तो नेशनल हाउसिंग बोर्ड करेगा। अगर फाइनेंस वाला काम देख रहे हैं, भाई 2 मिनट में लोन दे देंगे, तो आरबीआई करेगा। अगर शेयर बाजार स्टॉक में का देख रहे हैं तो फिर सेबी करेगा। ठीक है, क्योंकि भाई हर जगह तो पैसे का ही खेल है ना। भाई इंश्योरेंस खरीदे तो भी हम नगद नारायण दे रहे हैं, घर ले रहे तो भी हम पैसा दे रहे हैं, है ना। किसी से लोन ले रहे हैं कार बाइक खरीदने के लिए तो भी हम पैसा दे रहे हैं, या फिर शेयर खरीद रहे तो भी पैसा दे रहे हैं। तो है पैसा या फाइनेंस तो हर जगह है, लेकिन उनके काम के हिसाब से उनके मालिक अलग है। हमारे देश में एनबीएफसी के को अब बहुत सारी एनबीएफसी से अकॉर्डिंग टू देयर वर्क देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफरेंट। जैसे ऐसा नहीं कि हमारे देश में सब आरबीआई ही कंट्रोल करता है, जो पैसे को लेन देन को रहेगी उसको सिर्फ आरबीआई कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने चार्ट देख दिखाया आपको, ये आरबीआई की वेबसाइट से दिखाया। न्यूज क्या थी? आरबीआई ने कुछ चेंजेस किए, इसका मतलब जो आरबीआई से जुड़ी हुई एनबीएफसी होंगी उनके लिए चेंजेस है। ठीक है, आप लोगों को पता है लोन क्या होता है? हमने लोन दिया, लोन लिया, और लोन के एवज में हमें ईएमआई चुकानी पड़ती है। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इसी मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, और नाम में मंथली मतलब हर महीने चुकानी है। वेरी गुड। अगर कोई ईएमआई 90 दिन तक नहीं देता, मतलब 3 महीने तक अगर वो अपनी ईएमआई नहीं चुकाता, तो उसको सरकार बोलती, उसको आरबीआई घोषित, बैंक घोषित करता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट मतलब ये हमारा कुछ, ये हमारा एक तरह से बहुमूल्य चीज थी, हमारा कुछ दायित्व था इस पे, हम इससे कुछ कमा सकते थे। लेकिन जब हमने जिसको पैसा दिया इस उम्मीद में कि हम उससे कुछ कमाएंगे, अगर वो परफॉर्म ही नहीं करे, नॉन परफॉर्मिंग, तो उसे कहते एनपीए हो जाना। एनपीए कोविड के पहले ये एनपीए था कि 90 दिन से ज्यादा अगर हो जाए तो हम उस लोन को एनपीए घोषित कर देते हैं। और 90 दिन से ज्यादा मतलब या तो हमें मूलधन नहीं मिला हो या तो ब्याज नहीं मिली, दोनों में से कुछ कुछ एक भी नहीं मिला होगा 90 दिन तक, तो हम उसे एनपीए घोषित कर सकते हैं। बैंकों के लिए भी यही नियम था, एनबीएफसी के लिए भी यही नियम है। ठीक है, लेकिन अब आरबीआई ने चेंज क्या किया, इस 90 दिन को बढ़ा के 180 दिन कर दिया है। मतलब 6 महीने तक, विदिन 6 मंथ तक किसी ने ईएमआई नहीं भरी है तो उसको एनपीए में नहीं डालेंगे। जब 180 दिन पूरे हो जाएंगे तब एनपीए में डालेंगे। क्योंकि एनपीए में किस, मान लीजिए मैंने कोई लोन लिया था होम लोन, और मेरे पास नौकरी चली गई, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ईएमआई नहीं दे, अगली 3 ईएमआई नहीं भर पाया मैं, तो मेरा लोन एनपीए चला गया। मतलब भरना तो मुझे है ही है, लेकिन जो मैंने एक बोला था सिविल स्कोर, ये एक स्कोर होता है इसको जांचने के लिए कि भैया ये व्यक्ति कितना रिपेमेंट कर सकता है, मतलब इसकी कितनी क्षमता है। इस स्कोर में ये चीज दर्ज हो जाती है कि इन्होंने लोन लिया था, वो एनपीए हो गया, तो मेरा सिविल स्कोर बहुत नीचे गिर जाता है, तो अगले लोन मुझको नहीं मिलते। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 90% लाता है तो भाई समाज में इज्जत होती, कोई बच्चा अगर 20% लाता है तो समाज में डबल इज्जत होती है ना, घर वाले फिर अच्छे से इज्जत करते हैं उसे। तो अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो ये इस मेरे सिविल स्कोर में रिफ्लेक्ट करेगा, मेरा सिविल स्कोर नीचे गिर जाएगा। और कोविड की वजह से तो और बर्बादी चल रही, लोगों की नौकरी चली गई, लोगों की सैलरी नहीं आई, नौकरी है लेकिन सैलरी नहीं आई,
सरकार ने, आरबीआई ने बोला कि हमसे जुड़ी हुई जो जो एनबीएफसी से, खासकर एनबीएफसी के लिए बोला कि हम अभी जो एनपीए वाला क्राइटेरिया है ना उसको हम बढ़ा के 180 दिन कर देते, बैंकिंग के लिए नहीं किया है, इसके लिए किया है एनबीएफसी के लिए। लेकिन क्यों किया एनबीएफसी के लिए, ऐसा क्या है? मतलब आरबीआई ने इन पे इतना क्यों मेहरबान हो गया, बैंक वालों को भी कर देता। असल में आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा पिछले साल चला था, उसका नाम था लोन मोरटेरियम। हाँ, लोन मोरटेरियम, लोन मोरटेरियम, ये शब्द आपने सुना होगा, कई लोगों के घर ने इसका उपयोग भी किया होगा। भाई पिछली बार पर जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो जिनके पास सरकारी बैंकों से या बैंकों से लोन थे तो उनके पास ऑप्शन आ रहा था कि आपको अगर अपनी ईएमआई छोड़नी है, मतलब अभी नहीं भरनी है, तो 6 महीने का लोन मॉरेटोरियम दिया गया था, मतलब 6 महीने तक ईएमआई आप नहीं भरो और 7वें महीने से भरना। मतलब जो ईएमआई मान लो आपकी टोटल ईएमआई थी 240, तो आपने 6 नहीं भरी तो वो ईएमआई हो गई 6 बढ़ के 246 महीने की हो गई। लेकिन किसके लिए फायदा था? बैंकों वालों के लिए, जिनके पास बैंक के लोन थे, चाहे कार लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड के लोन हो, तो उनके लिए फायदा हो गया। भाई बैंक में ये ऑफर था, आप ऐप खोलते टिक करते हो या तो बहुत पता करिए आप लोगों के घर में, शायद पापा मम्मी लोगों ने इसको यूज भी किया हो 6 मंथ वाला, है ना। लोगों पास पैसे भी थे तो भी लोगों ने ईएमआई नहीं भरी कि भाई बर्बादी वक्त चल रहा है, पैसे जेब में रखो पता नहीं कब बीमार पड़ जाए। लेकिन ये किसके लिए सुविधा चली थी? बैंकों के लिए। एनबीएफसी के लिए लोन मोरेटोरियम था ही नहीं, तो ये लोग भी हल्ला कर रहे थे यार हमको तो छोड़ दो यार, हमको भी सहूलियत दो यार। आपने जो नॉर्मल बैंक से लोन लिया उनको बोला 6 महीने तक अगर आप नहीं भर सकते लोन तो मत भरिए, 7 महीने से भर दीजिएगा। नहीं तो अगर ये लोन मॉरेटोरियम नहीं होता और कोई लोन नहीं भरता तो सिर्फ विद इन 3 मंथ्स वो एनपीए चला जाता, उसका सिविल स्कोर बिगड़ जाता, उसके घर में वसूली वाले पहुंच जाते, अगला लोन उसको कभी नहीं मिलता अच्छे से। लेकिन सरकार ने लोगों की आर्थिक स्थिति देखी कि भाई खराब हो गई, इसलिए लोन मॉरेटोरियम कर दिया बैंकों के लिए। आरबीआई ने तय किया था, ये आरबीआई ने तय किया था, बैंकों से बोला था भैया आप कर दीजिए, तो बैंकों ने कर दिया आरबीआई के नाम। एनबीएफसी के साथ ऐसा कुछ नहीं था और एनबीएफसी में लोगों को लोन भरना पड़ा, और वहां तो 90 दिन जैसे कूद रहे थे, 3 ईएमआई नहीं आ रही तो वो एनपीए में जा रहे थे। तो सरकार ने इसलिए बोला कि यार हम क्या कर सकते हैं, एनबीएफसी तो भाई आरबीआई के डायरेक्ट अंडर में तो आती नहीं है कि हम उनको कहें कुछ माने, तो इन्होंने बोला एक काम कर देते हैं, एनबीएफसी के लिए एनपीए वाला जो क्लॉज है ना 180 दिन का कर देते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट बात वही है, तुम 6 महीने तक लोन नहीं भरोगे तो भी तुम्हारा एनपीए नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए किया गया था, ये इसलिए किया गया था। क्लियर हुई बात सभी? यस सर। लेकिन ये बहुत लेट किया क्योंकि हम लोग जनवरी की न्यूज पढ़ रहे हैं और ये पिछले साल की बात है, लेकिन देर आए दूर, मतलब अब भविष्य के लिए भी हो गया। एनबीएफसी में अगर 6 महीने तक आपने लोन नहीं भरा तो भी एनपीए में नहीं जाओगे। देखिए यहाँ पे एक शब्द है, जो एनबीएफसी से उनको 2 हिस्सों में बांटा गया, एक ऐसे एनबीएफसी जो डिपॉजिट ले सकते हैं और ऐसे एनबीएफसी जो डिपॉजिट नहीं ले सकते। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है जमा, और मैंने बैंक में क्या बोला था, डिमांड डिपॉजिट। भाई एनबीएफसी पैसे तो जमा करा सकता है ना, लोन दिया तो जमा करा सकता है, या कुछ एनबीएफसी ऐसे होते हैं कि भाई जैसे चिट फंड वाले हो गए, चिट फंड में क्या, चिट फंड आप लोग जैसे मान लीजिए घर और लोगों में आपने देखा होगा, लोग महिलाएं बीसी खेलती हैं कि भाई मान लो 5 महिलाएं 1 2 3 4 5 सबने बोला हर महीने हम 500 रुपये देंगे, मतलब हर महीने 2500 रुपये जमा होते जाएंगे, फिर किसी एक कोई व्यक्ति की चिट निकलती है, फिर वो 2500 रुपये लोन ले लेता है, बाद में चुका देता है काम धाम। तो ये चिट फंड वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखो कोई लोन नहीं ले रहा है, यहाँ पे लोग पैसे जमा कर रहे हैं। तो जैसे कुछ एनबीएफसी जो कि डिमांड डिपॉजिट अलाउ करती हैं, लेकिन ये बीसी वाला या डिमांड इनका जो डिपॉजिट है ना, वो ऐसा नहीं कि आज मैंने पैसा दिया चिट फंड में और कल बोला वापस करो, ऐसा नहीं, आपने दे दिया तो पैसा नहीं मिलेगा, उसके बदले में लोन नहीं मिलेगा। तो कुछ एनबीएफसी जो है वो जमा लेती हैं, कुछ नहीं लेती। जैसे एलआईसी होगी, उसके पास जमा की कॉन्सेप्ट नहीं है, उससे आप इंश्योरेंस खरीदोगे तो ही जमा करना पड़ेगा, उससे अगर होम लोन लोगे तो जमा करना पड़ेगा, मतलब एक हाथ ले एक हाथ दे। लेकिन जो चिट फंड है, चिट फंड कंपनियां, जैसे एक पश्चिम बंगाल में एक शारदा चिट फंड घोटाला चल रहा है, वो चिट फंड जो है स्टेट लिस्ट में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। तो चिट फंड में जैसे मैंने बोला मान लो 5 लोग जुड़े हैं चिट फंड से, तो हर महीने एक निश्चित रकम देंगे और 5 साल 10 साल तक देते रहेंगे वो रकम, बाद में उनको पैसा मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चिट फंड किसमें चली जा रही है, डिपॉजिट वाली में चली जा रही है। लेकिन एलआईसी हो गई या और जो आईडीएफसी हो गई, आईडीएफसी
IL FS हो गई, और भी जो जितनी है, मामापुलम गोल्ड लोन जो भी है तामझाम, वो सब लोन कैसे नॉन डिपॉजिट, इनसे आप सामान लेंगे, इनसे आप कुछ लेंगे तभी आपसे पैसा लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिए, डिमांड डिपॉजिट बैंक का। और जब मैं डिमांड हटा दूँ, सिर्फ डिपॉजिट है, तो हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ ऐसी NBFCs होती हैं जो डिमांड, जो डिपॉजिट ले सकती हैं, जैसे चिट फंड, कुछ ऐसी होती हैं जो नॉन डिपॉजिट, वो जमा नहीं लेती, वो कुछ बेचेंगी तब जमा लेंगे, आपको लोन देंगी तब जमा लेंगे। तो यहाँ पे जब ये नॉन डिपॉजिट है, इसका मतलब ये आपसे क्या ले रही, EMI ले रही, EMI जमा नहीं करवा रही, वो तो आपको देना ही था ना, वो आपको देना ही था किस्त, तो नॉन डिपॉजिट मतलब किस्त ले रही। इसके पूरे शाब्दिक अर्थ में मत जाना कि सर इसमें लिखा है नॉन डिपॉजिट मतलब पैसा जमा ही नहीं होगा, अरे तो जमा नहीं होगा तो कमाएंगे कैसे ये, है ना। इसके शाब्दिक लिटरल मीनिंग मत जाना, लेकिन यहाँ पे बस ये है कि जैसे ये चिट फंड है, यहाँ पैसे जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, 10 साल 20 साल उसका पैसा मिलेगा, और ये पैसे बीच में निकाल नहीं सकते बैंक, जैसे कि नहीं आज तुमने मन है मेरा ATM से मैं विड्रॉल कर लूंगा, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब मैंने NBFCs को लेकर आपको बता दिया है। अब यहाँ पे है कि इनकी जरूरत क्या है, तो जरूरत आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जरूरत ये है कि हमारे देश के बहुत बड़े जो लोग हैं, या डायस्पोरा है, डायस्पोरा शब्द गलत होगा, मतलब बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है, वो फॉर्मल बैंकिंग चैनल में नहीं आती है, और हम अगर उनको लोन नहीं दे पाएंगे, हम उनको पैसा नहीं दे पाएंगे, तो कैसे होगा। मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, वो महीने का 10,000 रुपये कमाता है, और उसका बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, डॉक्टरी करना चाहता है, और उसको 5 लाख रुपए की आवश्यकता है, और बच्चा को अभी फीस चाहिए, अब ये 10,000 रुपये कमाता है। अब अगर ये पैसा जोड़ेगा 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 और 5 लाख करेगा, तब तक मान लेता उसका बच्चा ही 40 साल का हो गया, बोलेगा पापा रहने दो, अब क्या इंजीनियरिंग करूंगा डॉक्टरी करूंगा, अब तो मैं 40 साल का हो गया। लेकिन अगर कोई बैंक इसको उसी समय 5 लाख रुपए दे दे, उसका बच्चा पढ़ाई कर ले, और ये 10,000 में से हर महीने 5,000 रुपये या 3,000 रुपये EMI भरेगा ना, चुकाएगा उस पैसे, लेकिन अभी उसको 5 लाख रुपए चाहिए, तो उसके बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, तो लोन तो सबको चाहिए, क्योंकि तो हम कब तक जोड़ेंगे, हमें जरूरत है आज घर की, हम 25 साल पैसा जोड़ के 10 लाख रुपए जोड़ ले, मालूम चले तब 10 लाख घर ही नहीं बन रहा, इतनी महंगाई बढ़ गई, तो लोन तो सबको चाहिए, लेकिन सबको लोन बैंक नहीं देता, ठीक है। और ये अगर ये NBFC ना हो तो हमारे देश की इकोनॉमी चल ना पाए, दौड़ ना पाए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, लगभग 50 लाख करोड़ रुपए, लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का इन लोगों ने काम किया है, NBFC ने इतना पैसा लोन में बांटा है या EMI लिया, 50 लाख करोड़ रुपए, आप देखिए फिगर, ठीक है। लगभग देश में 10,000 NBFC काम कर रही है, और 30% की ग्रोथ रेट से चल रही थी, लेकिन बीच में दिक्कत हो गई, अभी जैसे और दिक्कत होगी कोविड की वजह से, बहुत से लोग NBFC का लोन नहीं चुका पाएंगे, खैर, लेकिन इनकी हमें जरूरत बहुत है। बस जो मैंने बोलता है, इनका जो मॉडल है वो गलत है, फ्लॉ हटा है, क्योंकि ये उधार लेते हैं शॉर्ट टर्म का और लोन देते हैं लॉन्ग टर्म का, ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो आप उधार लॉन्ग टर्म का ले लो, या तो फिर लोन शॉर्ट टर्म का दे दो, वो जो मॉडल है वो फ्लॉड है, उसमें काम करने की जरूरत है। और जैसे मैंने बोला, IL FS जो है ये बर्बाद हो गई, ये उस समय की भारत की सबसे बड़ी NBFC कंपनी थी, और इसके अंडर में मोर देन 170 कंपनियां थी, 170 कंपनी इसके अंडर में थी, ये डूब गई। दीवान हाउसिंग का मैं नाम ले रहा हूँ, DHFL, ये डूब गया, उस बीच बीच में बहुत सारी डूबती जा रही, लेकिन हमें इनकी जरूरत तो है, हमें इनकी जरूरत बहुत ज्यादा है, अगर ये नहीं होंगी तो बैंक तो आप जानते हैं कितने को लोन देगा, अच्छा खासा सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में व्यक्ति चला जाए बैंक और लोन ले आए, तो ये बड़ी बात है, उसमें भी उनके 10 तरह के कागज होंगे, 10 तरह के नाटक होंगे, ठीक है। और भाई नीरव मोदी चले जाते हैं, विजय मल्ल्या, तो उनको लोन देते हैं, जो भी है, तो NBFCs के हमें जरूरत बहुत ज्यादा है, बस हमें उनका रेगुलेशन करने की जरूरत है, हमें थोड़ी चेक लगाने की जरूरत है, हमें ध्यान देने की जरूरत है कि वो पैसे ला कहाँ से रहे और जा कहाँ रहे, और हमें जनता को थोड़ा अवेयर करना पड़ेगा कि NBFCs का उपयोग आप जरूरत के वक्त ही करें, ऐसा नहीं कि रोड में दिख रहा है 2 मिनट में लोन, 2 मिनट में लोन, तो आपने लोन ले आया 25,000 रुपये और गए और उसको उड़ा दिया, कपड़े खरीद लिए उसके 25,000 के, अब उसको चुकाए जा रहे हैं, तो थोड़ी जिसे कहते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस हमें लोगों में करनी पड़ेगी। लेकिन NBFCs इररिप्लेसेबल है, मतलब इनको हम हटा नहीं सकते, ये वो वैक्यूम भरते हैं जो बैंक छोड़ देते हैं। बैंक तो बहुत कम आबादी को कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत कम आबादी को सर्विस दे रहे हैं बैंक, है ना। बस ये है कि इनका जो क्राइसिस है उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी NBFCs तो आपने देखा, इंश्योरेंस सेक्टर में भी है NBFCs, हाउसिंग में भी है NBFCs, लोन भी दे रहे हैं, है ना। तो NBFCs तो हर सेक्टर में है, हर सेक्टर में, लेकिन अब इन्हीं का काम पकड़ रहा है बैंक। जैसे बैंक में भी आपने सुना, कई सारे इंश्योरेंस स्कीम निकाल दी है, कुछ और निकाल दी, लेकिन बैंक इनकी इनको रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि गाँव गाँव के लोगों को लोन चाहिए, और हर किसी का खाता बैंक में नहीं होता, हर किसी का सैलरी नहीं होती, हर किसी का बैंक बैलेंस मजबूत नहीं होता कि बैंक उनको मुंह उठा के लोन देते, ठीक है।
तो एनबीएफसी से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स आपने समझ ली। अभी हाल ही में एक और न्यूज आई थी, आरबीआई ने एक कमेटी गठित की थी, अपने इंटरनल ग्रुप को गठित किया था, 2 महीने पहले की न्यूज है। इसने रिकमेंड किया कि कुछ एनबीएफसी को बैंक का दर्जा दे दो, कुछ एनबीएफसी को बैंक का दर्जा दे दो। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग जोर डालो और बताओ, किसी एनबीएफसी को अगर बैंक का दर्जा मिल जाएगा तो उसको क्या फायदा मिलेगा, बताइए। पढ़ाओ, कह रहे पैसे आएंगे, कैसे आएंगे पैसे, कौन दे रहा पैसे? सर लोग पैसे डिपॉजिट करेंगे उस पर अगर उसको बैंक का दर्जा मिल जाएगा तो। और श्रद्धा करी, लॉस का रिस्क कम हो जाएगा। हमारे जो बैंक है ना, बैंक के ज्यादा एनपीए हैं, बशर्ते एनबीएफसी के एनपीए कम है, बैंक के बहुत ज्यादा एनपीए हैं, इनके बारे में चर्चा करने बता देंगे। असल में देखो क्या है, आप लोग बैंक का मूल सिद्धांत समझो, बैंक को पैसे कहाँ से मिलते हैं? डिमांड डिपॉजिट से। लोग यहाँ पैसे जमा करते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, अपनी एफडी खुलवाते हैं, आरडी खुलवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, है ना। कोई व्यक्ति आया 20 लाख रुपए दे दिया, बोलता 10 साल तक रखे रहो, हमें एफडी करा दिया, कोई से 1 करोड़ दे दिया एफडी कर दो, किसी ने बोला आरडी खोल दो, हम हर महीने 5,000 रुपए देंगे। तो बैंक को ये पैसे मिल रहे हैं, लंबे लंबे पैसे मिल रहे हैं, बंच में पैसे मिल रहे हैं, करोड़ों के उनके पास ग्राहक है, इनको पैसे की दिक्कत। अब इनके पास बहुत सारा ऐसा पैसा लॉन्ग टर्म का है, मान लो इनके पास लॉन्ग टर्म का पैसा, मान लो उनके पास मान लीजिए 500 करोड़ है किसी बैंक के पास लॉन्ग टर्म का, भैया 10 साल तक की एफडी का पैसा है, ये कोई छुएगा नहीं, और छुएगा भी तो उसको उसको दंड मिलेगा या फिर उसका उसको हमको चार्जेस काट लेंगे। अब ये लॉन्ग टर्म के पैसे को वो लॉन्ग टर्म लोन में दे दे, होम लोन में दे दे, कार लोन में दे दे, क्योंकि ये पता है ये पैसा तो लॉन्ग टर्म तक रहेगा मेरे पास, तो इस पैसे को हम होम लोन दे दे, ये फायदा हो जाएगा। अभी मैंने क्या बोला, एनबीएफसी बेचारे पहले जो इनको ऑर्गेनाइजेशन या संगठन इनको लोन देते हैं वो भी शॉर्ट टर्म पे देते हैं, भैया 2 महीने वापस करना, 1 महीने वापस करना, 6 महीने वापस करना, 1 साल में करना, मैक्सिमम 1 ईयर। लेकिन ये भी होम लोन दे रहे हैं, होम लोन तो दूर तक जा रहा है, बस ये सबसे मेन फायदा हो जाएगा। बैंक किसी घर घर नहीं जाता है पैसे मांगने, लोग बैंक के पास आते खाता खुलवा के पैसे डालने। इसलिए आरबीआई के भी इंटरनल ग्रुप ने ये सुझाव दिया, ये हुआ नहीं है, ये सुझाव है कैसे हम एनबीएफसी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो कैसे आरबीआई इसको और रेगुलेट कर सकते, तो ये एक लाइन है। अभी ये इंटरनल ग्रुप की इसने सिफारिश किया कि कुछ एनबीएफसी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हम उनको बैंकिंग लाइसेंस दे सकते हैं, जैसे लाइसेंस मिलेगा वो डिमांड डिपॉजिट लेना शुरू कर देंगे और उनके वारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये एक बात कही गई, ठीक है। तो एक बात हमने देखे कि एनबीएफसी का जो एनपीए का टाइम पीरियड है वो 180 दिन कर दिया गया है, क्योंकि उनको लोन मोरेटोरियम सुविधा नहीं मिल पाई है, और अभी तीसरी वेव आनी है, दूसरी में तो वैसे ही बर्बाद होगी दुनिया, तीसरी अभी और आनी है, पता नहीं और कितनी लहर आएंगी, और उन लहरों में हम बर्बाद हो, इसलिए थोड़ी एनबीएफसी के जो लोन है या जो जिन्होंने लोन लिया एनबीएफसी से उनको सहूलत देने के लिए 180 डेज का एनपीए कर दिया है, ये भी अच्छा किया। और दूसरा मैंने बोला कुछ एनबीएफसी के लिए आरबीआई की इंटरनल ग्रुप ने, आरबीआई के जो गवर्नर डिप्टी गवर्नर या कोई भी और ऑफिशियल्स होंगे, कौन थी उस ग्रुप में नहीं पता, लेकिन ये बात उठ के आई है अभी 2 महीने पहले, कुछ एनबीएफसी को हम लोग बैंक बना सकते हैं, और बैंक बनाने से समझ गया आप लोग जो डिमांड डिपॉजिट है वो इनको मिलेगा और फटाफट इनको पैसा मिलेगा, लंबे समय तक ये दे पाएंगे। अच्छा, इसी शब्द को कहते हैं एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच एनबीएफसी के साथ यही हो रहा है। जैसे जो ये एसेट बना रहे हैं वो लॉन्ग टर्म का बना रहे हैं कि भैया किसी को होम लोन दे दिया लॉन्ग टर्म, लेकिन इनकी जो लाइबिलिटी है वो शॉर्ट टर्म की, भाई किसी से उधार मिला है वो तो शॉर्ट टर्म में लौटाना है ना, तो इनकी देनदारी शॉर्ट टर्म की है और लेनदारी जो लेना है वो लॉन्ग टर्म का, इसे कहे ये मिसमैच हो रहा, इसे कहते हैं एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, और इसी वजह से जो एनबीएफसी सही बर्बाद हो रही है या दिक्कत में चल रही है वो यही होता है। तो कभी ये शब्द आ जाए एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, क्या है एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, हम किससे जोड़कर देख सकते हैं एनबीएफसी का क्राइसिस का एसेट लाइबिलिटी मिसमैच से क्या है, ये ऐसा कीवर्ड है कि अगर आपने मेंस में लिखा इंटरव्यू में लिखा तो मतलब ये 3 शब्द बोल के आप समझ लो एक पैराग्राफ अपने अपना बचा लिया, ये इन्हीं ऐसे वर्ड्स को कीवर्ड्स कहते हैं कि हम अपने आंसर में कुछ कीवर्ड्स डाल देना तो व्यक्ति समझ जाता है कि ये कितने पानी में, इसको इसका नॉलेज
अंदर तक का है, समझदार व्यक्ति है, ठीक है। तो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें मतलब जो भी इनकी पैरेंट बॉडी है, चाहे सेबी हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे नेशनल हाउसिंग बैंक हो, जो भी है, या एल्डा हो, तो हमें इनका एसेट लाइबिलिटी मैच को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी फिनटेक कंपनीज आ गई, फिनटेक मतलब ऐसी कंपनी से पेटीएम हो गई या फिर फोन पे हो गई, ये भी लोन बांट रही है, ये भी लोन बांट रही है, लोन लोन ले रहे हैं, आता रहता है मैसेज कि 2 लाख का लोन, 1 लाख का लोन। दिक्कत ये है कि इनके पास भी वही है, संगठनों ने इन पे पैसा लगा दिया, आप सुनते रहते हैं पेटीएम को इतनी फंडिंग मिली, इसने इस पे पैसा लगाया है, तो ये तो लोन बांट रहे हैं, अगर इनको लोन नहीं मिला तो अगली एनबीएफसी ये ना बन जाए फिनटेक, तो हमें इनको भी संभालना पड़ेगा। तो फिनटेक कंपनी है, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा पेटीएम या फोन पे। बाकी एनबीएफसी का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, 50 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ का पैसा ये घूम रहा है इनकी वजह से, हमारी इकोनॉमी थोड़ी बहुत रिवाइव कर रही है इनकी वजह से, क्योंकि एक ठेले वाला, एक शॉपकीपर, एक दुकानदार, एक सब्जी वाला, या मैं तो कहता हूँ एक शोरूम वाला भी बैंक जाए तो उसको लोन नहीं मिलता, क्योंकि उससे पूछते भाई आपके शोरूम में तो पिछले साल, पिछले महीने 10 लाख रुपए कमाई हुई, इस महीने 2 लाख रुपए कमाई हुई, आप मांग रहे 50 करोड़ का लोन, हम कहाँ से दें आप। हमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी देखनी पड़ेगी, एनबीएफसी के कामकाज को समझना पड़ेगा, एनबीएफसी के बैलेंस शीट है उसको देखना पड़ेगा, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच को कंट्रोल करना पड़ेगा, एनबीएफसी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको सरकार की बैकिंग होनी चाहिए। अभी क्या है, एनबीएफसी मरे जी अपने दम पे, उभरे अपने दम पे, गिरे अपने दम पे, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि एनबीएफसी में जिसने लोन लिया वो भी तो भारत का नागरिक है, एनबीएफसी को जिसने उधार दिया वो भी तो भारत का संगठन है। तो अगर जो इनकी पैरेंट बॉडी है, जो इनको कंट्रोल कर रही है, अगर इनका इन पे दखल नहीं होगा, अगर वो इनका इनको चेक में नहीं रखेंगे, तो अल्टीमेटली नुकसान में कौन जाएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हमारे, हम भारत के लोग ही बर्बाद होंगे। इसलिए एनबीएफसी को भी थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, सरकार जिस तरह बैंकों को रिवाइव करती है, बैंकों पर ध्यान देती है, उससे थोड़ा एनबीएफसी पे ध्यान दे, ठीक है। और एनबीएफसी इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, और ये बैंकिंग का जो वैक्यूम है उसको कंट्रोल कर रही है। तो आज की क्लास 1 में एनबीएफसी को लेकर क्या इश्यूज है, तो मैं आप लोगों को बता दीजिए।